नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। हरिद्वार जिले में महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब पुलिस ने कोर्ट की फटकार के बाद ही पीड़िता का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा ही एक नया मामला हरिद्वार जिले की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सामने आया है। कब भरेंगे आराकोट आपदा की जख्म, घाटी में सड़कें बंद, सेब की फसल मंडी पहुंचाना हुआ मुश्किल। उत्तरकाशी जिले के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में मुख्य सड़क के साथ लिंक मार्ग भी बाधित है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई है। ऐसे में ग्रामीण अपने सेब की फसल मंडी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उन्हें सेब के सड़ने का डर सता रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत, मूर्ति विसर्जन के लिए हरिद्वार प्रशासन की विशेष तैयारी। गणेश उत्सव की 31 अगस्त से शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर हरिद्वार प्रशासन विशेष तैयारियों में जुटा है। इस बार गंगा में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस बार प्रतिमा विसर्जन के लिए कई पॉइंट्स बनाने जा रहा है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। UK SSC पेपर लीक। उत्तराखंड STF ने एग्जाम कंट्रोलर से की घंटों की पूछताछ, 2 दिन बाद फिर से बुलाया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं अब उत्तराखंड STF ने पहली बार आयोग के तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर नारायण सिंह से घंटों पूछताछ की। नारायण सिंह को उत्तराखंड STF ने अपने कार्यालय बुलाया था। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड STF ने एग्जाम से जुड़े कई सवाल नारायण सिंह से किए हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब से उत्तराखंड STF संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि अब 2 दिन बाद फिर से उत्तराखंड STF ने एग्जाम कंट्रोलर नारायण सिंह को कार्यालय बुलाया। अब उन्हें एग्जाम के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग 2015 में अस्तित्व में आया था, जब से एग्जाम कंट्रोलर की जिम्मेदारी नारायण सिंह के पास ही। नारायण सिंह के कार्यकाल में UK SSC ने 90 परीक्षाएं आयोजित कराई हैं, जिसमें से एक पेपर दिसंबर 2021 का है, जो लीक हुआ था। नारायण सिंह के रिटायर्ड होने के बाद भी यह मामला प्रकाश में आया। ऐसे में उत्तराखंड STF नारायण सिंह से कुछ अहम जानकारी हासिल करने में लगी हुई है, क्योंकि एग्जाम को संपन्न करने की पूरी जिम्मेदारी नारायण सिंह की थी। लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस से मिली अहम जानकारी। लखनऊ की जिस प्रिंटिंग प्रेस में UK SSC का पेपर प्रिंट हुआ था, वहाँ के कर्मचारी अभिषेक वर्मा को उत्तराखंड STF पुलिस कस्टडी में लेकर लखनऊ गई थी। इसके बाद टीम टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गई थी। वहाँ उत्तराखंड STF ने कई अहम दस्तावेज जुटाए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड STF ने अभिषेक वर्मा का लैपटॉप, पास, बैंक पासबुक और कई अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अभी UK SSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF अभी कई और गिरफ्तारियां कर सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड STF को जो भी सबूत मिले हैं, अभी उनकी भी अभी जांच की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस नेटवर्क के तार सचिवालय से लेकर हाई प्रोफाइल सफेद पोश लोगों से भी जुड़ने के आसार। देहरादून में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल, जनता से की घरों में तिरंगा लगाने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सरसधारा रोड स्थित IT पार्क चौक में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान व प्रभात फेरी में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। 2621 नर्सों के पदों पर स्थायी नियुक्ति की मांग। हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन। 2621 नर्सों के पदों पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर नर्सिंग छात्र छात्रा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवक और युवतियों का समर्थन करने कांग्रेस विधायक सुमित हृदय धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार को जमकर कोसा और नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की मांग की है। एक साल से लापता था 3 बच्चों का पिता, जोमेटो से मिले एक सुराग ने परिजनों से मिलवाया। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की मदद से उत्तराखंड पुलिस ने एक साल से लापता 3 बच्चों के पिता को ढूंढ निकाला। लापता व्यक्ति का नाम कपिंद्र है, जो हल्द्वानी का रहने वाला है। कपिंद्र का एक साल से कोई सुराग नहीं लग रहा था। परिजन और पुलिस उसकी तलाश कर चुकी थी, लेकिन तभी पुलिस को जोमेटो से एक बड़ा सुराग मिला और पुलिस ने उसे सकुशल घोष लिया। डोईवाला में 5 पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार, राहुल की मौत ने खोला राज। बीती 4 अगस्त को डोईवाला के नागल ज्वालापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में राहुल नाम के युवक का शव मिला था, जिसके पास एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। जानकारी जुटाने पर आलोक नाम के युवक ने उसे पिस्टल भेजी थी, उसी के आधार पर पुलिस ने आलोक को 5 पिस्टल के साथ दबोचा है। रुद्रप्रयाग छिनका गांव में लैंडस्लाइड का मलबा कई घरों में घुसा, लोगों ने भागकर बचाई जान। रुद्रप्रयाग के छिनका गांव में देर रात भूस्खलन होने से कई घरों में मलबा घुस गया। घटना से कई गौशालाएं भी मलबे की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। भूस्खलन से कई घरों को भारी क्षति पहुंच गई। दशजूला कांडई के अंतर्गत महड़ गांव में बिजली गिरने से एक भैंस व 2 बकरियों की मौत के साथ ही 2 घोड़ों की आंखों की रोशनी चली गई। 1000 रुपए के लिए किया था कत्ल, पुलिस ने आरोपी हबीब को दबोचा। रुड़की में पुलिस ने कमरुज़्ज़मा हत्याकांड का खुलासा कर मामले में पुलिस ने एक आरोपी हबीब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो हबीब का कमरुज़्ज़मा पर 1000 का उधार था, जिसे चुकाने को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते हबीब पर खून सवार हो गया और कमरुज़्ज़मा ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, जहां की उन्हें मन मोहा। टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से टपकेश्वर महादेव की 21वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सहारनपुर चौक से शिवाजी धर्मशाला से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को रवाना किया। इस दौरान नागपुर उज्जैन के कलाकारों ने बैंड और भजनों की प्रस्तुति दी। शोभा
चक्राता शिवाजी धर्मशाला से सहारनपुर चौक होते हुए झंडा बाजार पलटन बाजार घंटाघर चक्राता रोड गड़ी कैंट को होते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची। इस बार की शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा थी। शिवाजी धर्मशाला के आसपास शिव श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सामाजिक धार्मिक और व्यापारी संगठनों की ओर से विभिन्न जगहों पर स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों के दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी वृंदावन और भगवान टपकेश्वर के पार्थिव शिवलिंग की झांकी के अतिरिक्त भगवान टपकेश्वर के 3 डोले श्री दूधेश्वर, श्री पतेश्वर और श्री देवेश्वर मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। हरिद्वार, चेनी स्नैचिंग और बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस ने सिरगुल क्षेत्र से 3 छात्र आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चेनी स्नैचिंग और बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। कर्नल थाना पुलिस ने तीनों को सिरगुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 आरोपी यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं, जबकि 1 आरोपी लक्सर का रहने वाला है। दबोचा गया गालीबाज, उत्तराखंड में लोकेशन मिलने के बाद कैसे गायब हुआ था गालीबाज श्रीकांत। 8 टीमें 4 दिन से लगी थी पीछे, आखिरकार पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को दबोच लिया। घटना के बाद बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। इस दौरान त्यागी उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर रहा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर खाक छानती रही है। अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ पाया है। खबर है कि श्रीकांत त्यागी की रोड की व हरिद्वार में प्रॉपर्टी भी है। हरिद्वार के संतों ने भी किया आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध, बायकॉट करने की अपील। हरिद्वार के साधु संत भी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही संतों ने इस तरह की फिल्म नहीं देखने की अपील की है। संतों का कहना है कि इस फिल्म को देखकर अपना समय व पैसा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अच्छा सनातन धर्म से जुड़े किसी कार्य में प्रतिभाग करें। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू, बीजेपी तिरंगे के नीचे ही सुरक्षित। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तो रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जयकारे लगाए, वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया। करण महारा ने कहा कि बीजेपी तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही सुरक्षित है। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा का किया रवाना, शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस बार खास बात ये रही कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा करवा रहा है। चार जिले थे एक्शन में दिखे तराई पश्चिमी डीएफ, 3 अवैध आरा मशीनों को किया सील। तराई पश्चिमी डीएफओ कुंदन कुमार ने जसपुर क्षेत्र में 3 आरा मशीनों को छापेमारी के बाद सील कर दिया है। तीनों आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही थी। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से आरा मशीन संचालित होने की सूचना मिल रही थी। ट्रेन से कटकर अब हाथियों को नहीं होगी मौत, वन विभाग हाथी कॉरिडोर में बनाएगा फ्लाईओवर। उत्तराखंड वन विभाग तराई केंद्र और तराई पूर्वी वन प्रभाग क्षेत्र में लगे हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में फ्लाईओवर बनाएगा, जिससे हाथियों को ट्रेन से कटकर या हाईवे पर वाहनों के टकराकर मौत नहीं हो। 1 महीने पहले हुई थी शादी, घूमने के बहाने पति को खाई में दिया धक्का, आरोपी पति गिरफ्तार। सेल्फी लेने के दौरान हुई नवविवाहिता प्रियंका की मौत के मामले में पुलिस ने भाई की तहरीर पर उसके पति को उसके घर मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तोधाघाटी के समीप सौण पानी में कथित रूप से सेल्फी लेते उसकी खाई में गिरने से मौत होने की बात पति राहुल द्वारा पुलिस को बताई गई थी। प्रियंका का शव पुलिस को अगली सुबह खाई में मिला था। लंपे स्किन डिजीज, उत्तराखंड में भी लंपे स्किन डिजीज की दहशत, धामी सरकार ने उठाया ये कदम। सचिवालय में वीरचंद्र सिंह अडवाणी सभागार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग के अधिकारी एवं पशुपालक शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री बहुगुणा ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में चल रही पशुओं से संबंधित लंपी स्किन डिजीज को देखते हुए उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत 4 गिरफ्तार, देवप्रयाग संगम कर रहे थे हुड़दंग। देवप्रयाग संगम पर शराब के नशे में हुड़दंग करना महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने पहले तो चारों को मना किया, जब नहीं माने तो देवप्रयाग पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन मर्यादा के तहत चारों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जुर्माना लेकर चारों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सीएम धामी ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, गूंजे भारत माता के जयकारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। देहरादून, 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म मामले में दोषी को 12 साल की कैद, 40,000 का जुर्माना। देहरादून के स्पेशल पॉक्सो जज मीना देवपा की अदालत ने 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मामला 2019 का है। रुड़की में अपराधी बेखौफ, आधी रात 20 सड़क पर युवक को दौड़ा दौड़ा कर मारा चाकू, मौत। रुड़की में ढंडेर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर से बचने के लिए युवक काफी दूर तक दौड़ता रहा, लेकिन हमलावर ने पीछा कर उसके पीठ पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड में नशा तस्करों की खैर नहीं, ANTF और NCORD फोर्स का हुआ गठन। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर सचिवालय स्तर पर गठन किया गया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के अधीन ANTF
गढ़वाल यूनिट और ANTF कुमाऊं यूनिट कार्य करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड में नशा तस्करी पर कुछ हद तक लगाम लगेगा। 17 अगस्त को दरारा बुग्याल में मनाया जाएगा बटर फेस्टिवल। सीएम धामी और महाराज होंगे चीफ गेस्ट। उत्तरकाशी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दरारा बुग्याल में 17 अगस्त को बटर फेस्टिवल मनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा इस बार दरारा बुग्याल में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तरकाशी में चीन सीमा पर सुरक्षा में चूक, अग्रिम चौकियों पर पकड़े गए 2 व्यक्ति। उत्तरकाशी में चीन सीमा पर सुरक्षा में चूक देखने को मिल रही है। 15 दिनों में 2 व्यक्ति को अग्रिम चौकियों से पकड़ा गया। दोनों व्यक्तियों के पास सीमा क्षेत्र में जाने का किसी भी प्रकार का कोई अनुमति पत्र नहीं था, जबकि सीमा क्षेत्र में जाने के लिए स्थानीय निवासियों को भी प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। सितारगंज लूटकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड दंपत्ति अभी भी फरार। सितारगंज में कैश कलेक्शन कर्मी के साथ हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में SSP मंजूनाथ TC ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मास्टरमाइंड दंपत्ति फरार चल रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।